भारी उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। आखिरी घंटे में बाजार में जमकर खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स करीब 677 अंक बढ़ा। आखिरी घंटे में तो सेंसेक्स में 1000 अंक से भी अधिक की उछाल आई। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 3.09 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी हरियाली छाई रही। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1.05% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.85% की बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंकिंग और आईटी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं पावर शेयरों में गिरावट रही। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 676.69 अंक या 0.93% की तेजी के साथ 73,663.72 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 203.03 अंक या 0.92% की बढ़त के साथ 22,403.85 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 16 मई को बढ़कर 407.34 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 15 मई को 404.25 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप आज 3.09 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 17 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी में आज तेजड़ियों की जोरदार वापसी देखने को मिली। इंट्राडे में इस इंडेक्स में 1000 अंकों का उछाल देखने को मिला। बैंक निफ्टी के लिए अब 48,200 पर तत्काल रेजिस्टेंस है, जो इसके 20-डे मूविंग एवरेज के करीब स्थित है। इस रेजिस्टेंस के टूटने पर बैंक निफ्टी में 49,000 अंक की ओर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 47,600 से 47,500 पर सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट कायम रहेगा, तेजी भी कायम रहेगी। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने बाजार पर बात करते हुए कहा कि आखिरी कारोबार सत्र में बाजार में जोरदार रिकवरी आई, जिसके चलते बाजार बढ़त पर बंद हुआ। ऐसे समय में जब FII घरेलू इक्विटी से अपने पैसे निकाल रहे हैं, MSCI इंडेक्स में नए स्टॉक जोड़े जाने की खबरें आई हैं। इससे नया FPI निवेश आने की उम्मीद है। इसकी वजह से बाजार में आज कुछ खुशी देखी गई। चुनावी मोर्चे पर बाजार में चर्चा है कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बहुमत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर नीतिगत सुधारों में निरंतरता जारी रहेगी। इससे भी बाजार को सपोर्ट मिलेगा। रेली गेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स में मामूली गिरावट के साथ निफ्टी 22,300 के रेजिस्टेंस को पार करने में कामयाब रहा। अब यह तेजी 22,600 के स्तर तक बढ़ती नजर आ सकती है। अमेरिकी बाजारों से मिले संकेतों के साथ बैंकिंग और आईटी सेक्टर के दिग्गज खिलाड़ियों की भागीदारी आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित होगी। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे बेहतर स्टॉक चुनने पर फोकस करें और उसके मुताबिक अपनी रणनीति तय करें।